नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजरें डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन भारतीय जनसंघ का 70वां स्थापना दिवस पंडित बच्चराज व्यास स्मृति प्रतिष्ठान एवं समर्पण सेवा समिति ने संयुक्त रूप से भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बच्चराज व्यास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया। कार्यक्रम में प्रमुखता से एडवोकेट कैलाश चंद्र व्यास, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर महेश तिवारी, डॉक्टर सुरेश चांडक, समर्पण सेवा समिति के सचिव नरेश जुम्मानी, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना नागपुर अध्यक्ष राकेश गांधी, भाजपा नागपुर शहर उपाध्यक्ष जयप्रकाश पारेख, अजय टक्का मोरे, शरद छांडी, राहुल आसरे, कृपाल सिंह, राजू वाबरा, मनोज तिवारी, जयंत व्यास, किरीट सांगानी, आशीष, केशव भिवापुरकर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर एडवोकेट कैलाश चंद्र व्यास ने आशा देवी व्यास सभागृह में सभी को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। ये देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों पर चलने वाले भारतीय मूल्यों के प्रचार प्रसार को समर्पित राष्ट्रवादी राजनीतिक दल रहा। भारत माता के जय घोष के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस वर्ष JCI नागपुर रॉयल का रजत जयंती वर्ष मनाया गया। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र सिविल लाइंस नागपुर में अपनी स्थायी परियोजना रॉयल मिस और मिसेज विदर्भ का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में उपस्थित अतिथियों का स्वागत JCI नागपुर रॉयल के अध्यक्ष JC नीरव रेगे ने किया। कार्यक्रम का मंच संचालन JC सलोनी दुबे और JC श्रेष्ठ मसूरकर ने किया। कविता मोहरकर, मिसेस वर्ल्ड रनर अप, JC जावेद खान राणा, नेशनल ट्रेनर, और JC मनीष कुर्जेकर, पूर्व क्षेत्र अध्यक्ष, फाइनल राउंड के जज थे। ऑडिशन राउंड के लिए जज की जिम्मेदारी JC राजेश दुबे, संस्थापक अध्यक्ष, JC उषा दुबे, पूर्व अध्यक्ष, JC धारिणी सिलारकर, जोन ट्रेनर, और विक्रम राउंड, निदेशक मल्टीफिट जिम ने संभाली। रॉयल मिस विदर्भ श्रेणी के लिए रॉयल मिस विदर्भ विजेता मिस शिवानी जोशी, रॉयल मिस विदर्भ फर्स्ट रनर अप मिस करिश्मा मोधा सरफ, रॉयल मिस विदर्भ सेकंड रनर अप मिस अश्लेषा साधवानी, रॉयल मिस ब्यूटीफुल स्माइल मिस अमीशा गोविंद, रॉयल मिस साइट मिस प्रियंका गुप्ता, रॉयल मिस फोटोजेनिक मिस तेजस्विनी ट्यूरे, रॉयल मिसेज विदर्भ श्रेणी के लिए रॉयल विदर्भ विजेता नम्रता श्रीरंग, रॉयल मिसेज विदर्भ सेकंड रनर अप अमृता बंसोड, रॉयल मिसेज ब्यूटीफुल स्माइल श्वेता वैद्य, रॉयल मिसेज साइट आइज भारती मोटघरे, रॉयल मिसेज फोटोजेनिक सेजल सिंह इस प्रकार है। पुलिस स्मृति दिन पर गुरुवार सुबह पुलिस मुख्यालय पुलिस लाइन टाकली काटोल रोड में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के सम्मान में पुलिस जवानों ने हवा में फायरिंग कर सलामी दी। इस दौरान कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दनाक विदर्भ ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नागपुर के एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिला। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल मोहाड़िया और सचिव संजय पालीवाल ने गत GST काउंसिल की मीटिंग में ब्रिक्स इंडस्ट्री पर GST के दरें बढ़ाने पर गहरी चिंता जताई और इसे वापस लेने का अनुरोध किया। ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन देश भर के क्ले ब्रिक सेक्टर का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें बड़ी भारी संख्या में असंगठित क्षेत्र भी शामिल है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्ले ब्रिक उत्पादक है। 1.5 लाख से भी अधिक ईंटें भट्टी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी छोरों पर स्थित है। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्ले ब्रिक एक मैनुअल मोल्टेड कॉटेज इंडस्ट्री है। ये एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इसे स्मॉल स्केल रूरल इंडस्ट्री के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है। ईंट भट्टे माइक्रो उद्योग की श्रेणी में आते हैं, इसके बावजूद भी इंसेंटिव या अन्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। 1.5 लाख ईंट भट्टों से 2 करोड़ परिवारों की आजीविका चल रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षित, अप्रशिक्षित, बेरोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों से है। इस उद्योग पर कर की मार से इस तबके के लोगों की रोजी रोटी संकट में पड़ सकती है, अतः इस निर्णय को वापस लेना बेहद जरूरी है। 27,000 से अधिक मजबूत सदस्यों वाली टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के देश भर में 26 यूनिट संलग्न है। एसोसिएशन की हाल ही में हुई वार्षिक सर्वसाधारण सभा में बंजारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संचालक और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस उद्योग सेल के अध्यक्ष डॉ. हेमंत सोनारे को अध्यक्ष बतौर चुन लिया गया। इसी प्रकार सूर्यम्बा स्पिनिंग मिल लिमिटेड के AVP किरण कटारे को मानद सचिव चुना गया। एसोसिएशन की कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी इस प्रकार है: DS कुलकर्णी, पूर्व प्राचार्य, शासकीय तंत्र निकेतन और अजय सक्सेना अध्यक्ष, भागीरथ टेक्सटाइल, कलमेश्वर उपाध्यक्ष के रूप में, हेमंत मिटकर वाइस प्रेसिडेंट, GTN इंडस्ट्रीज लिमिटेड सावनेर वाइस चेयरमैन के बतौर, RK मिश्रा पूर्व महाव्यवस्थापक, PV टेक्सटाइल लिमिटेड और S ठावकर महाव्यवस्थापक, निर्मल उज्जवल कोऑप स्पिनिंग मिल्स कोंढाली को सह सचिव के बतौर चुना गया है। अमरजीत सिंह संचालक, AJ बेल्टी को कोषाध्यक्ष चुना गया है।
जबकि कार्यकारी समिति सदस्यों में आर के दुबे, पूर्व अध्यक्ष TAI विदर्भ, SP गाड़गे, वस्त्र सलाहकार LS नागदा, संचालक टेक्सटाइल केमिकल्स और इक्विपमेंट यवतमाल, MV गोखले, वस्त्र सलाहकार पराग शिंदे, यूनिट प्रमुख दामोदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड अमरावती प्रफुल्ल दांडेकर, MD गौतम मागासवर्गीय सहकारी सूदगिरणी पारशिवनी, BM अग्रवाल संचालक ESS मार्केटिंग सर्विसेज, हरीश मोहड़ जनरल मैनेजर सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स अमरावती, अजय घोरपड़े प्रमुख क्वालिटी व्यवस्थापन ओसवाल वुलन मिल्स लुधियाना, जयंत नगरारे संचालक बायोटेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड मुंबई का समावेश है। कोरोना महामारी का असर कम होते ही दिनचर्या सामान्य होते जा रही है और इसके साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अनलॉक होने के साथ साथ स्कूल और कॉलेज और अन्य संस्थानों में कामकाज पहले की तरह ही शुरू हो गया है। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए महामेट्रो ने मेट्रो ट्रेनों की फेरिया में वृद्धि की है। इसके साथ ही मेट्रो ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा दी है। बढ़ाई गई फेरियों के अनुसार ऑरेंज लाइन कस्तूरचंद पार्क स्टेशन से खपरी मेट्रो स्टेशन पर यात्री सेवा आज शुक्रवार 22 अक्टूबर से सुबह 7:10 से उपलब्ध होगी। पहला दौर सुबह 7:10 से इस मार्ग पर स्कूल, कॉलेज और अन्य औद्योगिक संस्थानों में सुबह की जाने वाली छात्रों या अन्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस लाइन पर रात 9 तक मेट्रो ट्रेन उपलब्ध रहेगी। ऑरेंज लाइन के साथ इक्का लाइन सीताबर्डी इंटरचेंज से लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन पर भी सुबह 6:30 से रात 9 तक यात्री सेवा होगी। दोनों रूटों पर हर 15 मिनट में यात्री सेवा उपलब्ध रहेगी। शहर अनलॉक होने से व्यावसायिक प्रतिष्ठान के समय में वृद्धि हुई है। पंजाब नेशनल बैंक 6S अभियान के तहत कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम हेतु समीर वाजपेयी मुख्य महाप्रबंधक 6S अभियान के तहत ग्राहकों को सुलभ सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नागपुर मंडल अंतर्गत शाखाओं में विभिन्न कार्यक्रम हुए। इसी के मद्देनजर समीर वाजपेयी मुख्य महाप्रबंधक प्रधान कार्यालय नई दिल्ली तथा आशीष चतुर्वेदी मंडल प्रमुख द्वारा नागपुर मंडल में शाखा प्रमुखों को संबोधित करते हुए मुख्य महाप्रबंधक द्वारा PNB 6S अभियान के अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार आवास ऋण, रिटेल एवं MSME ऋण, कृषि संबंधी ऋण के साथ ही भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना को अधिकाधिक ग्राहकों तक पहुंचाने का अनुरोध किया ताकि वे इसका लाभ ले सके। उन्होंने डिजिटल को बढ़ावा देने हेतु PNB वन ऐप के प्रयोग, इंटरनेट प्रयोग, डेबिट कार्ड पर विशेष जोर दिया ताकि आम जनता तकनीकी सुविधा का लाभ ले सके। समीर वाजपेयी मुख्य महाप्रबंधक और आशीष चतुर्वेदी मंडल प्रमुख द्वारा सितंबर तिमाही में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अल अजीज एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से अब्दुल मानी कुरेशी के संयोजन में सेवाभावी व्रत और विधान क्षेत्र से जुड़े एडवोकेट लिनेट सेंटियागो का सत्कार फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान के हाथों किया गया। एडवोकेट लिनेट द्वारा गरीब, शोषित, पीड़ित महिलाओं और बच्चों को गाइड करने और सामाजिक गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान करने हेतु उन्हें पुरस्कृत किया गया। एडवोकेट लिनेट ने उचित काउंसलिंग तथा मोटिवेशन कर सैकड़ों विवाहित दंपतियों के बीच क्लेश, पारिवारिक समस्याओं को हल कराया तथा बच्चों पर होने वाले दुर्गामी परिणामों से अवगत कराकर उन्हें मानसिक रूप से संतुलित किया। घरेलू समस्याओं से बाहर निकालना और उन्हें यथासंभव सहयोग प्रदान करना और अनेक गतिविधियां नित्य रूप से चलाना एडवोकेट लिनेट का रोजमर्रा का कार्य बन गया है। अभिनेता मुश्ताक खान के हाथों अधिवक्ता व नोटरी लिनेट को सम्मानित करते समय नरीना शेख, नवीन सेंटियागो, वृषाली देशपांडे, सलमा खान, यास्मिन कुरैशी, यूसुफ खान, अमजद खान उपस्थित थे। अभिनेता मुश्ताक खान ने कहा कि नागपुर की सरजमीन पर ऐसे लोग बसते हैं जिससे सबक लेने की जरूरत है। अखिल भारतीय सेना कामठी रोड स्थित भीलगांव आमना टाउन परिसर में ईद ए मिलादुन नबी का पर्व जिलाध्यक्ष शेख असलम के प्रमुख उपस्थिति में बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नागरिकों को चना पोहा व मिठाई का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अकरम शेख, शेख छोटे साहब, हुमाम शेख, परवेज शेख, तैमूर रफीक मिर्जा, अफजल भाई, आबिद अंसारी, गुड्डू निखारे, दिनेश जाधव, कादिर भाई, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रिजवान ने सहयोग किया। इसी तरह हंसापुरी में हजरत बाबा ताजुद्दीन अवलिया बहुउद्देशीय सेवा संस्था द्वारा हंसापुरी नाल साहब चौक परिसर में ईद मिलादुन नबी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रमुख अतिथि हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर खान जामिया अरबिया उपस्थित थे। संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद ने उनका इस्तकबाल किया।
हंसापुरी परिसर में बड़े पैमाने पर आकर्षक मोहक सजावट की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अकीदतमंदों को हलवा मिठाई का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शेख असलम, बाबा भाई, मोहम्मद जावेद, विजू भाई, आफ्ताब कमेटी, जमशेद भाई, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद सरफराज, बाबू भाई ने अथक परिश्रम किए। मंडल स्तर पर समस्याओं मांगों के निराकरण के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के संसदीय क्षेत्रों के सांसदों के साथ आलोक कुमार महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बैठक सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन बालाघाटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सांसद संतोष पांडे राजनांदगांव, सांसद सुनील मेंढे गोंदिया भंडारा, सांसद संपतिया उइके सहित महाप्रबंधक आलोक कुमार, मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल, विधायक प्रवीण दटके, मुख्यालय के प्रमुख अधिकारी, सांसद छिंदवाड़ा मंडला गढ़चिरौली के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अन्य सांसद अपनी व्यस्तता के कारण अनुपस्थित रहे, परंतु उनके द्वारा अपने सुझाव बैठक हेतु भेजे गए, जबकि विधायक विकास महात्मे ऑनलाइन के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। महाप्रबंधक आलोक कुमार ने उपस्थित सांसदों का अभिनंदन किया तथा अपने संबोधन में कहा कि इस समिति के माध्यम से यात्री सुविधाओं, रेल कार्यों का विकास एवं परियोजनाओं को लागू करने में रेलवे को सहयोग मिलता है और कहा कि स्थानीय मांगों समस्याओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को अच्छी होती है। उन्होंने भारतीय रेलवे की अधोसंरचना का विकास कोरोना काल में रेलवे द्वारा किया गया संघर्ष, विकासात्मक कार्यों, विद्युतीकरण, गेज कन्वर्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, माल लदान में निरंतर वृद्धि आदि की जानकारी से अवगत कराया। आने वाले कुछ समय में ही सभी प्रकार के वाहनों के इंजन में हुआ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आगामी 6 माह में प्रत्येक वाहन को फ्लेक्स फ्यूल इंजन अनिवार्य किया जाएगा। इस आशय की जानकारी केंद्रीय सड़क यातायात व महामार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी। इस अवसर पर अन्ना साहेब पाटिल, केंद्रीय रसायन मंत्री भगवंत खुबा उपस्थित थे। गडकरी यहां फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा आयोजित ग्रीन एनर्जी अवार्ड कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इथेनॉल सर्वाधिक किफायती ईंधन है और इथेनॉल विमान के ईंधन के लिए भी सफल फ्यूल साबित हुआ है। एक से अधिक ईंधन पर चलने वाले इंजन को फ्लेक्स इंजन कहा जाता है। वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनियों को फ्लेक्स इंजन बनाना अनिवार्य किया जाएगा। आगामी 6 से 8 माह में सरकार इस आशय का आदेश जारी करने वाली है। गडकरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ईंधन की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में इथेनॉल, सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक के रूप में विकल्प हमारे लिए उपलब्ध है। अंततः इसी ईंधन पर सभी को निर्भर होना पड़ेगा। सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। एहतियात के तौर पर जनवरी में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण शुरू हुआ था। इसके बाद गुरुवार 21 अक्टूबर को देश में इस अभियान ने 100 करोड़ का स्तर पार कर लिया है। इस उपलक्ष्य में मेयर दयाशंकर तिवारी ने गुरुवार को नागपुर शहर के टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। उन्होंने नागपुर में 24 लाख टीकाकरण के डोज पार करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना की और एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें और नागरिकों को बधाई भी दी। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने भी नागरिकों से जल्द टीकाकरण करवाने की अपील की है। महापौर ने बाबुलखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। उस समय बोलते हुए उन्होंने कहा कि शहर के सभी पात्र नागरिकों का टीकाकरण किया जाना चाहिए, केंद्रों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नागपुर नगर निगम ने उचित योजना बनाई थी। 150 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र शुरू किए गए, वहां सभी जरूरी सुविधा मुहैया करवाई गई। छात्र, दिव्यांग, महिला, विदेश जाने वाले यात्रियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए समय समय पर विशेष शिविरों का आयोजन भी किया गया। नागपुर में कोरोना टीकाकरण अभियान ने दोनों डोज में 24 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। नागपुर शहर के भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व का गौरवशाली इतिहास रहा है। नगर सेवक एडवोकेट निशांत गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को महापौर दयाशंकर तिवारी को एक ज्ञापन सौंप कर मांग की कि शहर के गौरवशाली इतिहास और शहर को प्रसिद्ध बनाने के लिए नागपुर शहर का अपना शहर गान होना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ पत्रकार तथा खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के सदस्य बाला साहेब कुलकर्णी, नागपुर श्रमिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रवीण मैत्र, अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष नरेश गड़ेकर, निवेदिका रेखा दड़िंगे, कवि महेश तिवारी आदि उपस्थित थे। नागपुर शहर देश के बीचों बीच स्थित है और भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों के दृष्टिकोण से इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। इस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनने का भी गौरव प्राप्त हो चुका है। नागपुर शहर जो राज्य की उपराजधानी है, आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाले इस शहर का इतिहास और विकास नई पीढ़ी को पता चले, उन्हें प्रेरणा मिले, वो भी शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी जाने और निभाएं। इसके लिए शहर का एक गान होना चाहिए और इसके लिए मनपा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आशय के विचार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने व्यक्त किए। संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के विविध विषयों पर पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने समिति के अध्यक्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में की, जिसमें लाभार्थी को दीपावली से पहले अनुदान बैंक में भेजने का निर्देश दिया, जिससे हर लाभार्थी त्योहार का आनंद ले सके। मीटिंग में मध्य नागपुर अध्यक्ष नगर सेवक जुल्फोकर भुट्टो, पूर्व के अध्यक्ष शेख अयाज, उत्तर के अध्यक्ष दीपक खोबरागड़े, तहसीलदार श्रीमती चैताली सावन, आशीष कटारे, रवि पराते, रोशनी निखारे, सागर चौहान, वैशाली उदापुरकर, श्रावण खापेकर आदि उपस्थित थे। एपीएमसी चुनाव में आरतिया व्यापारी मतदार संघ के संचालक पद के लिए चुनाव लड़ रहे पूर्व नगर सेवक भास्कर पराते ने अपील की है कि यह चुनाव सिर्फ एक करोड़पति लोग ही लड़ सकते हैं। यह इस चुनाव की पहचान है, लेकिन मैं उन करोड़पति लोगों में से नहीं हूं, बल्कि मैं एक सामान्य जनसेवक हूं। आप सभी को मालूम है कि मैं पार्षद के रूप में एक जनसेवक था। मैं जब भी चुनावी मैदान में उतरा तब आप सभी ने हर वक्त मेरी मदद की। अब चुनाव को सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, वक्त के कारण मैं आपको संपर्क नहीं कर सका। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके परिचित रिश्तेदार दोस्त भाई व्यापारी अर्थिया तथा राशन दुकानदार संपर्क में हो तो सभी आप मेरे लिए आपका अमूल्य समय निकालकर उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलें और उनको आने वाले 23 अक्टूबर को कलमना मार्केट परिसर में बुलाकर मेरे चुनाव निशान अलमारी पर मोहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाएं। विधायक गिरीश व्यास ने अपना वादा पूरा करते हुए 2 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और टी गार्ड राधाकृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेज दी। हॉस्पिटल अध्यक्ष गोविंद पोद्दार ने विधायक व्यास का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर महेश तिवारी, नरेश जुम्बानी, मनोज तिवारी, मनोज अग्रवाल, हॉस्पिटल ट्रस्टी कन्हैयालाल मानधना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के डॉक्टर राकेश केडलवा, डॉक्टर सुनीता मिगलानी, श्रद्धा पाठक आदि उपस्थित थे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं माहुरगढ़ देवस्थान के संयुक्त तत्वावधान में माहुरगढ़ देवस्थान माहुर महाराष्ट्र में लोक फोक कार्यक्रम अंतर्गत गोंधल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ न्यायमूर्ति वसंत कुलकर्णी, संस्कार भारती के उपाध्यक्ष श्याम देश पांडे, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के निदेशक डॉक्टर दीपक खिरवड़कर, आशुतोष अरोनी, माहुरगढ़ देवस्थान संस्था के अध्यक्ष चंद्रकांत भोपी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कलाकारों को केंद्र द्वारा सम्मानित भी किया गया। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा विगत 3 वर्षों से गोंधल महोत्सव माहुरगढ़ देवस्थान माहुर में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष महोत्सव में यवतमाल महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कलाकार सुश्री अपर्णा शेलार एंड समूह द्वारा पारंपरिक गोंधल की मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी गई। महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक कला गोंधल रेणुका माता को समर्पित की गई। इस महोत्सव में इन आदिशक्ति माता की स्तुति गोंधल के माध्यम से कलाकारों द्वारा दी गई। इस महोत्सव का दर्शकों ने आनंद लिया एवं कलाकारों कला को बेहद सराहा। केंद्र सरकार का वादा था अच्छे दिन लाने का। आज बेतहाशा बढ़ती महंगाई और आए दिन पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दाम हैं। जिस प्रकार से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार ने जोर शोर से अच्छे दिन लाने का वादा किया था, आज उसके विपरीत दिनों दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और बेतहाशा महंगाई ने आम जनता के जीवन को परेशान कर रखा है। पेट्रोल डीजल के दाम तो कब से सेंचुरी पार कर चुके हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आम जनता के हित में साबित नहीं हो रहा है और जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं, आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि आम जनता के लिए जरूरत की चीजों के दाम कम होंगे। केंद्र सरकार केवल अपने पूंजीपति मित्रों का साथ दे रही है, उनके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं और गरीब आम जनता के लिए सरकार ने सिर्फ अच्छे दिन का लॉलीपॉप दिखाया है। आए दिन हो रही पेट्रोल डीजल रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में वृद्धि के खिलाफ नागपुर में युवक कांग्रेस ने इंदिरा चौक और 10 नंबर पुलिया पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे लोगों के बीच जाकर अच्छे दिन का वादा याद दिलाया।
जो कभी केंद्र सरकार ने जनता के साथ किया था और सभी को सरकार के वादे का लॉलीपॉप बांटा। 90 के दशक में बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले कुमार सानू ने उस दौरान बॉलीवुड पर राज किया था। अपनी अनूठी गायन शैली से सैकड़ों गीतों को अमर कर देने वाले कुमार सानू को उनके 65वें जन्मदिन के मौके पर गायकों ने बधाई दी। रॉक ऑन म्यूजिकल ग्रुप ने बुधवार को बॉलीवुड गायक कुमार सानू के 65वें जन्मदिन के मौके पर हिट्स ऑफ कुमार सानू का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का V5 एंटरटेनमेंट स्टूडियो से इरफान खान के फेसबुक पेज पर सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन M.A. रज़ाक द्वारा किया गया, जबकि शोएब खान, शालिनी सिन्हा, अदिति सिरसावन, रितेश कुलसुंगे, भूपेश मसराम, धीरज शुक्ला और दिनेश जाधव ने कुमार सानू के गीतों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत इरफान खान ने बहुत ही खूबसूरत हो बस एक सनम चाहिए इस गाने से की। दिनेश जाधव ने आकाश के हम, कितना हसीन चेहरा और भूपेश मसराम ने चांद सितारे, दिल है मेरा दीवार जैसे गानों पर परफॉर्म किया। गायकों ने इस वक्त युगल गीत भी गाए। कार्यक्रम का समापन इरफान ने मेरे कॉलेज की एक लड़की गाने से किया। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर अड़ियाल टेकड़ी व मांगल गांव ब्रह्मपुरी जिला चंद्रपुर से गुरुकुंज तिवसा अमरावती तक पदयात्रा कर रही पूज्य राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज की पालकी का गुरुवार को कंट्रोल बाड़ी चौक पर स्वागत किया गया। पालकी 14 अक्टूबर को रवाना होने वाली थी, लेकिन पालकी पूर्व सरपंच अशोक माने के घर पर रुकी हुई थी। स्वर्गीय देवराव माने के नेक कार्यों से प्रेरित माने परिवार पिछले 45 वर्षों से हर साल पालकी पदयात्रा का स्वागत करता आ रहा है। इस अवसर पर पूजा अर्चना, भजन, प्रवचन और महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मण ढोरे, श्यामराव ठाकरे, वासुदेव राव कामनापुरे, दिनेश उइके, जानराव राउत, पंजाब राव सेलोकर, भाव राव माहुलकर, रमेश माने, संतोष खवास और परिसर के अन्य नागरिक उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।